हेलो बच्चों, तो आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सबसे पहले हमारा पॉइंट ये आता है कि रजिस्टर्स होते क्या है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने की बात तो दूसरी है। ठीक है बच्चों, तो रजिस्टर एक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के काम में आती है, भले चाहे ये सिंपल अलॉय वायर हो या कोई दूसरी वायर हो जिसका कुछ न कुछ ऑपोजिशन होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रेजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो ऑपोजिशन किसको, चार्जेस के फ्लो को ऑपोजिशन अपोज करने के काम में आती है। तो अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। तो ध्यान से सुनना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो बोर्ड में आते हैं। देखिए बच्चों, सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं। एक रजिस्टर हमारे पास ये है, पहले वाला रजिस्टर नंबर फर्स्ट, और एक रजिस्टर हमारे पास मान लेते हैं अभी के लिए हम दो ही लेंगे, ये दूसरा रजिस्टर है। तो पहले वाले रजिस्टर का ये वाला फर्स्ट टर्मिनल है और ये दूसरा, दूसरे वाले का ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये दूसरा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें सीरीज में लगाएंगे। तो सीरीज में क्या करेंगे, पहले वाले का जो दूसरा है और दूसरे वाले का जो पहला है हम उसे कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पहले वाले रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और दूसरे वाले जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। अच्छा, तो हमने इस कॉम्बिनेशन को एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके कुछ करंट को ऑन ऑफ करने के लिए हमने बीच में एक की लगा दी। तो अभी तो ये की ऑफ है, तो इसमें कोई करंट नहीं है, लेकिन जब हम इसे ऑन करते हैं, जब हमारी की जो है वो ऑन हो जाती है, ये हमारा पॉजिटिव है हमारे सेल का, ये छोटा जो इलेक्ट्रोड के लिए माइनस। तो ऐसा करने से हमारे इसमें जो करंट फ्लो करता है वो आई फ्लो करता है। तो आई अगर इससे निकलता है यहां को, तो आई ही तो एंटर करता है सेल के नेगेटिव में, यानी इससे भी कौन सा करंट पास कर रहा है, आई, और इससे भी यहां भी कौन सा करंट है, आई बच्चों। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है उसे पता करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, एक एमीटर लगा सकते हैं। तो अगर हम यहां पे एमीटर लगाएंगे तो ये आई बताएगा, यहां पे लगाएंगे तो आई बताएगा, यहां पे लगाएंगे तो आई बताएगा, यहां पे लगाएंगे तो आई बताएगा। तो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया कि रेजिस्टेंस भले ही सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग हैं, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह करंट का वैल्यू सेम है विद हेल्प ऑफ एमीटर। ओके बच्चों, तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट ए है। ठीक है बच्चों, और ये जो नेगेटिव के साथ वायर का, वायर के ऊपर पॉइंट है वो पॉइंट बी है, और इसे मान लेते हैं, चलो इसको हम बी कर लेते हैं और हम इसे क्या कर लेते हैं, सी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनना, इसी फिगर को मैं कुछ सिंपली, सिंपली कैसे बना सकता हूं, ध्यान सुनना, ये हमारा पॉजिटिव है और यहां पे कौन सा पॉइंट है वायर का, ए, तो ये हमारे पास उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर वन, ये पॉइंट हमारा आ गया बी, हम ऐसे जा रहे हैं और वापस हम लास्ट में पहुंच जाएंगे कौन से टर्मिनल पे, नेगेटिव है जहां पे हमारा पॉइंट सी है, और बी और सी के बीच में हमारा एक सेकंड नंबर वाला रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर टू है। और हमने सर्किट में और क्या लगा रखा है, हमने यहां पे एक की लगा रखी है और हमने यहां पे एक एमीटर लगा रखा है बच्चों। एमीटर को कनेक्ट करते टाइम ध्यान रखना कि एमीटर का जो पॉजिटिव होगा वो आपका पॉजिटिव की ओर ही कनेक्ट होगा और जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव की ओर कनेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर हम दिखा सकते हैं कि हमारा ये नेगेटिव है, तो यहां पर माइनस है और यहां पर क्या है, प्लस है। तो यहां पे करंट का कितना वैल्यू है, आई है।
ठीक है बच्चों, अगर हम क्या करते हैं ओम्स लॉ लगाते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं, उससे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं कि जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वो है वी ए, जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वो है वी बी, और जो सी पॉइंट पे पोटेंशियल है वो है वी सी। और जैसा हमने स्टडी कर रखा है इससे पहले ही कि जो साइड पॉजिटिव की ओर होगी वायर में वो हाई पोटेंशियल होगी, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ऐसे करके आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये कंपैरेटिवली इससे लो पोटेंशियल पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो वायर पे है वो दोनों से ही कम पॉइंट पे पोटेंशियल है वो है वी बी, और जो सी पॉइंट पे पोटेंशियल है वो है वी सी। और जैसा हमने स्टडी कर रखा है इससे पहले ही कि जो साइड पॉजिटिव की ओर होगी वायर में वो हाई पोटेंशियल होगी, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ऐसे करके आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये कंपैरेटिवली इससे लो पोटेंशियल पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो वायर पे है वो दोनों से ही कम पोटेंशियल वाला पॉइंट है बच्चों। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ओम्स लॉ। किसके लिए? बाय ओम्स लॉ। किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर फर्स्ट रजिस्टर के लिए यूज कर रहे हैं। देखना, तो ओम्स लॉ क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इक्वल टू करंट एंड रेजिस्टेंस होता है, यही होता है। तो पहले वाले के लिए यानी ये है कि बात है, इस पहले वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? हाई पोटेंशियल वी ए, लो पोटेंशियल बी वी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और पहले वाले के लिए करंट कितना है आई, और पहले वाले के लिए रेजिस्टेंस कितना है आर वन, ये हमारा एक पॉइंट आया, इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर वन बच्चों। सेम ओम्स लॉ लगाएंगे हम किसके लिए? सेकंड रजिस्टर के लिए, ठीक है, फॉर सेकंड रजिस्टर के लिए भी बात करेंगे। तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो कितनी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बैठा है? वो बैठा है बीबी माइनस बीसी के बीच में। तो यही ओम्स लॉ क्या बन जाता है, बीबी माइनस बीसी, और करंट कितना है आर टू में, वो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस तो अलग है। तो यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस बीवी वो हमारा है आई आर वन यहां पे, और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा है वीवी माइनस बीसी दैट इक्वल टू आई आर टू बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए। तो देखिए एक बात इसमें हम और कंसीडर कर लेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा किसके द्वारा, सेल के द्वारा, वो मान लेते हैं वी है, यानी ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाला सोर्स है वायर के एंड्स के ऊपर ए और सी के ऊपर, वो वी वोल्टेज, बी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाला ये सेल जो है वो सोर्स है बच्चों। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर वन विद इक्वेशन नंबर टू। तो देखिए क्या बन जाता है, वी ए माइनस वी बी प्लस ये वाला वी बी माइनस वी सी, और ये राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी आई आर वन प्लस आई आर टू, तो ये कट जाएंगी, क्या बचेगा वी ए माइनस वी सी इक्वल टू आई कॉमन आ गया, आर वन प्लस आर टू आ गया बच्चों। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो वायर के ए एंड और सी एंड पे अप्लाइड है, जो मैंने यहां लिखा, वो एक्चुअल में क्या है, वी है ना। तो ये चीज जो है वी है, ये बन गया आई, अंदर है आर वन प्लस आर टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर अभी के लिए थ्री है। तो बच्चों इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हुआ है वायर के दोनों एंड्स ए और सी पे, ठीक है।